गवर्नमेंट से गारंटी रेट जो है 23 करोड़ कुछ समथिंग लैक्स आए, तो जिसमें जो है ना 20 करोड़ 17 लाख 70 हजार जो है ना इमाम मौजूदों को अधिया दिया गया है केसीआर साहब के तरफ से, जो वकोट के थ्रू जाता, और 4 महीने का अधिया दिया गया। अभी 2 महीने का ड्यू है, तो 2 महीने का भी जो है ना इंशाल्लाह कुछ टाइम में वो भी डाल देंगे, 2 महीने का भी रमजान तक अल्लाह चाहे तो कोशिश करके वो भी जो है हम लोग देने का काम केसीआर साहब के तरफ से वो भी हदिया पहुंच जाएगा इमाम मौजूदों को। फिलहाल तो 4 महीने का कल की डेट में चलेगा है, पर अल्लाह के करम से वो जो 2 महीने का बैलेंस है इमाम मौजूदों का वो भी चले जाएगा। और दूसरी बात ये है कि शबे बरात आ रही है, 14 तारीख को शबे बरात है, इतवार का दिन है। मेरी मुतवल्लियों से और कब्रस्तान कमेटियों से और मस्जिद कमेटियों से सबसे गुजारिश है, दरगाह कमेटियों से जो भी हमारे मुतवल्ली से कमेटी के सदर सेक्रेटरी वगैरह जो भी है ग्रेवयार्ड्स के, आप लोग मेहरबानी करके साफ सफाई का इंतजाम रखिए, क्योंकि लोग फातिहा देने के लिए फातिहा खानी करने के लिए कब्रस्तान को दरगाह शरीफ को हर दरगाह में डिस्ट्रिक्टों में हर जगह आते, तो झाड़ियां वगैरह रहते। आप लोग इमीडिएट कल की डेट में हो सका तो आज की डेट में भी आप लोग जो है ना साफ सफाई का इंतजाम करिए, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हम बल्दिया को भी लेटर लिखे हैं और पुलिस बल्दिया और कलेक्टर को भी, कमिश्नर जीएचएमसी, हम लोग सबको हमारे तरफ से अपील है कि आप लोग थोड़ा सीरियस लेके जो है ना शबे बरात के दिन करंट भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रात है, शबे बरात की बहुत बड़ी फजीलियत है। और आप लोगों से भी, मेरी ऑफिसरों से भी गुजारिश है कि लाइट और वाटर और जो है ना हमारे मुतवल्ली और हमारे कमेटियों के सदर से मेरी अपील है कि आप लोग साफ सफाई का इंतजाम रखिए। ऐसा तो रखते हैं, मगर हमारा भी फर्ज है कि आप लोगों को एक बार अपील करने का, आप लोगों से अपील है मेरी कि आप लोग अच्छे से अच्छा नीट रखिए। अगर कोई साफ सफाई नहीं करा सकते ग्रेवयार्ड में, तो हमारे को वर्कबोर्ड में आके इमीडिएट हमको बोलिए, हम यहाँ से हमारे टास्क फोर्स को भिजा के हमारे वर्कबोर्ड के पैसों से जो है ना आपके कमेटी में पैसे नहीं है वगैरह कुछ है तो हम यहाँ से करेंगे इमीडिएट। इसमें लेटर देने की भी जरूरत नहीं है, खाली आप बोलिए, हमारी टास्क फोर्स टीम आती, लेबर को लगा के हम लोग इमीडिएट साफ सफाई झाड़ियां वगैरह निकालने का काम हम लोग करेंगे। और क्योंकि जो भी जहरीन आते हैं फातिहा दुरूद वगैरह पढ़ने के लिए, तो उनके लिए साफ सफाई चाहिए वहां, क्योंकि झाड़ियां वगैरह रहने से जो कोई आने जाने के लिए तकलीफ होती, तो कब्रस्तान का खुसूसन ख्याल करिए। अभी नहीं, हमेशा जो है ना काम कराइए आप लोग, कब्रस्तान ग्रेवयार्ड को साफ रखिए, वहां पर नीटनेस मेंटेन करिए। अगर आप लोग नहीं कर सकते हो वकोट से बोलिए, वकोट से आके हम लोग जो है ना कराने के लिए तैयार है काम। हम वाटर वर्क्स वालों को भी बोलेंगे कि बसों के लिए जो ना पानी और जो ना कोई चीज की कमी नहीं होना, लाइट भी जो है ना इंशाल्लाह लाइट भी बनने हो रही। वैसे तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है हमारे को, मस्जिदों को, हर चीज को, ग्रेवयार्ड को, जहां जहां भी इलेक्ट्रिक पोल है वहां पर लाइटों का भी इंतजाम है, अल्लाह चाहे तो कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग जो है ना एक हफ्ते में 71 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे हम लोग, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है 71 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे, और एक हफ्ता पहले जो है ना 46 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे हम लोग ये डुंडिकल में, और ये जो है ना अत्तापुर में जो है ना कुतुब शाही मस्जिद एंड दरगाह इब्राहिम हुसैनी वहां पर 71 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे, जो लैंड ग्रैबर जो इंजॉयमेंट कर रहे थे प्लाटिंग करके जो लोग कब्जे करे हुए थे, तो ऐसी जो है ना हाईकोर्ट हमको ऑर्डर दिया है कि जहां भी अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे इलीगल रजिस्ट्रेशन हुआ उसको कैंसिल कराने का काम है। और सब रजिस्ट्रारों को भी हम लोग लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना, जीएचएमसी को भी बोले हुए हम लोग कि उसका जो भी कॉम्पोजिशन आता है रोड मेंटिंग में हो कहीं भी हो पहले वक्फ बोर्ड से पूछना उसके बाद में देना, नहीं तो लोग जाति बोल के जो है ना कॉम्पोजिशन भी ले रहे वहां से प्लॉट लेने से पहले कि वक्फ लैंड है या नहीं है, क्योंकि लैंड गिरावर्स इस वक्त सरगर्म है, इस वक्त जहां पर भी प्लाटिंग हो रही वहां पर पूरा एनओसी लीजिए वकोट से भी,
और जीए कलेक्टर ऑफिस से एमआरओ से हर एक जगह से इंक्वायरी करके पेपर में डाल के लीजिए प्लॉट, कहीं भी पूरे तेलंगाना स्टेट में, तेलंगाना स्टेट हो या आंध्र हो कहीं भी हो, वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रही थी, कयामत तक वफ रही थी। फिलहाल अब कई लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, लैंड गिरा बना पैसे लेके फ्री हो गए होंगे, पर गरीब आदमी फंस जाता है वहां पर। तो इसलिए लिहाजा जो है आप लोग होशियार हो जाइए, आप लोग कहीं भी प्लॉटिंग हो रही तो वकबोर्ड से भी मालूम करिए, आप लोग वकबोर्ड से भी आके ऑफिसरों से पूछिए, हमारे से पूछिए डायरेक्ट, और जो है ना कलेक्टर ऑफिस से एनओसी लीजिए, वहां से भी लेके जो है ना उसके बाद प्लॉट खरीदिए, पेपर में डाल के लेना है और कंसेक्शन लेके जो ना, या तो गवर्नमेंट क्या कंसेक्शन देती है उस पर जो ना हम लोग रमजान की भी मीटिंग जल्द से जल्द जो है ना एक हफ्ते के अंदर बुलाकर रमजान के भी इंतजाम क्या हो रहे क्या नहीं हो रहे वो भी हम जल्द से जल्द बताएंगे आप।